प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं मनीष और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। दोस्तों, अभी जो आपने प्रीमियम वीडियो देखा, तो दोस्तों इसका लिरिक्स इफेक्ट जो आपने देखा उसी का मैं ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। इसका मुझे रिक्वेस्ट आया था, बस मैंने इसमें थोड़े से चेंजेस किया, बट चेंज क्या किया है वो आपको मैं बता दूंगा। तो आप जो जिस टाइप का मुझे रिक्वेस्ट आया था उस टाइप का भी बना सकते हैं, या फिर इस टाइप का भी बना सकते हैं, आपको जो भी पसंद है उस टाइप का बना सकते हैं। एडिटिंग में ही मैं बता दूंगा आपका इसमें चेंजेस क्या करना है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमोशन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। दोस्तों, इस टेक्स्ट इफेक्ट में बस दो ठो इफेक्ट ही यूज करना है, तो आपको एक्सएमएल का जरूरत नहीं होगा। पूरा वीडियो देखकर भी वीडियो बना सकते हैं, काफी एजेस्ट में एडिटिंग आपको बताने वाला। तो प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिएगा, 9:16 रेशियो सेलेक्ट कीजिए, रेजोल्यूशन 1080 रखिए, 360 या 30 भी रख सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, प्लस के आइकन पर क्लिक कर लीजिए, मीडियम जाएगा। देन यहाँ पर जो भी फोटो पर एडिटिंग करना चाहते हो फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने ये वाला फोटो सिलेक्ट किया, फुल स्क्रीन में है तो मुझे कुछ करना नहीं। आप अपना 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लीजिए तो पूरे स्क्रीन पर आ जाएगा। देन यहाँ पे गाइस, ये वाला अगर पिक्चर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी स्क्रीन पर टाइप करेंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, ऑडियो में जाएंगे, जो भी ऑडियो पर स्टेटस बनाना चाहते हो उस ऑडियो को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे पास काफ़ी सारे सॉन्ग है, मैं इसमें से तब तक के लिए कोई सा भी एक ऑडियो ले लेता हूँ। चलिए, मैं तब तक के लिए इसी सॉन्ग को रख लेता हूँ। इसके लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करके लास्ट तक कर लेंगे। अब गाइस, यहाँ पे हमें लिरिक्स एडिट करना है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आइएगा, फर्स्ट लाइन इसका वर्ड क्या है उसे क्लिक करके आप सुन लीजिएगा, ऐसा मेरा दिल। ठीक है, तो प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे ऐसा मेरा दिल। ठीक है, आप चाहे तो पूरा लाइन भी टाइप कर सकते हैं, बस इस तरह से मैं टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे अलाइन करेंगे, रोबोट टूल पे क्लिक करेंगे, एक गाइस फॉन्ट आपको यहाँ पे लेना है, जिस फॉन्ट का नाम है आपको फॉन्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम पे, तो आप जाकर वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे पोइट, ये वाला गाइस नाम है पोइट सेन वन रेगुलर। ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देन इसे इस तरह से ले लीजिएगा, लेने के बाद इसका साइज वगैरह एडजस्ट कर लीजिए, आप जितना भी रखना चाहे रख सकते हैं, बट इस तरह से मैं 28 रख लिया हूँ। इसका कलर यहाँ पे व्हाइट कर देंगे, देन राइट क्लिक करेंगे, करने के बाद इसे यहाँ से मूव करके आप जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, नीचे में स्पेस अच्छा है तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। देन यहाँ पे रखने के बाद गाइस, यहाँ से बैक आ जाएगा, बटन सेट हो जाएगा, सेटो यहाँ पे ऑन कर दीजिए, सेटो को साइज 0 कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप इसे 5 देन वाई को 7 कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से तो शैडो आपको काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे गाइस, लिरिक्स का लेंथ कितना है उसे प्ले करके सुन लीजिएगा, यहाँ तक ऐसा मेरा दिल। तो सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, जो एक्स्ट्रा कट कर देंगे। अब गाइस, इस पर आपको इफेक्ट देना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, नीचे स्क्रॉल करके टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, रेंज पे क्लिक कीजिएगा, स्टार्ट में आने के बाद स्टार्टिंग में आ जाइएगा, की लगा लीजिएगा, की लगाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे इतना इतना छोड़ के और यहाँ पे की लगा लीजिएगा, की लगाने के बाद इसे आप 100 कर दीजिए, जैसे आप देख सकते हो मैंने कर दिया। देन यहाँ पे एंड जितना है उतना रहने दीजिए, फेस को भी कुछ मत कीजिएगा, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लेटर कंपोनेंट कर लीजिएगा। कंपोनेंट करने के बाद गाइस, यहाँ पे जो ऑफसेट है इस पर क्लिक कीजिए, एक्स को कुछ मत कीजिएगा, वाई पे क्लिक कर लीजिएगा, वाई को 100 कर दीजिएगा। ओ सॉरी, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो परफेक्टली 100 ही रखेंगे, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, तो बस 100 इसे रख लीजिएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, एंगल को कुछ मत कीजिएगा, स्केल पे क्लिक करके 0.10 इसे कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, यहाँ पे टेम्पल है और टाइम ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे गाना अभी चल रहा है। अब नीचे जाइएगा तो स्ट्रेच का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है गाइस, स्ट्रेच को कुछ मत कीजिएगा, यहाँ पे एक सेकेंड गाइस, ऑफसेट एंगल स्केल, ठीक है, एक सेकेंड गाइज, सॉरी गाइज, यहाँ पे एंगल और स्केल दोनों 0 ही रहेगा, मैंने स्केल पे इफेक्ट दे दिया, यही मैं सोच रहा था कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेच पे क्लिक करना है और इसे 0.10 कर देना है। ठीक है, मैं नीचे जाइएगा, यहाँ पे अल्फ़ा का ऑप्शन आएगा, अल्फ़ा को आपको माइनस में 1000 कर देना है। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे विजुअल एट्रीब्यूटिव में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंट्रोपोलिट एंड एजिंग जो है इस पर क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, जिसके बाद जो जैसे हो वैसे रहने दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एज इन और एज आउट जो रख सकते हैं, इन को 100 कर लीजिएगा, आउट को -100 कर दीजिएगा। देन यहाँ पे ओवरलैप जो है इस पर क्लिक करके इसे 300 कर लीजिएगा। ठीक है,
ये परफेक्टली 300 रखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो, अब देखेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, बट मुझे जो भेजा गया था उसमें वर्ड बाई वर्ड ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आते हैं, आपको लेटर यहाँ पे जो है तो यहाँ पे वर्ड अगर आप कर देते तो वर्ड बाई वर्ड आएगा, देख सकते यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आया, सेकेंड वर्ड आया, थर्ड वर्ड आया, तो इस तरह से आएगा। इसमें और भी आप चाहे कि और ज़्यादा नीचे से आए तो आप इसके लिए भी इफेक्ट दे सकते हो, उसके लिए आपको नीचे आना होगा। यहाँ पे आपको ये ओवरलैप जो देख सकते थे इसे आप और डाउन कीजिएगा, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे देर से आएगा, यहाँ पे देख सकते इस तरह से, तो जितना आप यहाँ पे इसे ऊपर करेंगे तो उतना ये जल्दी ऊपर की तरफ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये एक ही साथ में सबका सब आ रहा है, तो अब इसके अकॉर्डिंग ही इफेक्ट यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसका डिस्टेंस जितना भी देना चाहे तो उतना दे सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम आप 100 तो रख लीजिएगा, उससे कम मत रखिएगा। तो यहाँ पे आप जब 100 रखते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे एक आया, दूसरा आया, फिर तीसरा आया, या फिर आप इसे 0 भी करके देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, थोड़ा फास्ट आएगा यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, फिर इस तरह से, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। मैंने यहाँ पे इसे 300 रखना है और लेटर को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में वर्ड रख मैं लेटर रख रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये दोनों आपको एडजस्ट कर लेना है, मुझे जो भेजा गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे जो ओवरलैप है इसे मैं 300 अपना रख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लेटर कर दिया, आप वर्ड भी करके एडिटिंग कर सकते हैं। मुझे जो वीडियो भेजा गया था उसमें वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, बैक चला जाएगा, ऐड फिर पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे ऑपेसिटी विजुअलिटी पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको फीड इन आउट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, इसे ओपन कीजिएगा, इनको आउट 0 कर दीजिएगा, आउट जितना रहने दीजिएगा, अभी प्ले करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड के लिए इसी को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी लेयर करेंगे, देन ये जहाँ पे खत्म हो यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाले ऑप्शन टैप करेंगे, यहाँ पे बराबर में रख लेते हैं, और ये वाले ऑप्शन टैप करके पेस्ट लेयर करेंगे, नेक्स्ट वर्ड के आप प्ले करके सुन लेंगे, दिल कभी ना था यहाँ तक है, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ड्यूरेशन में क्लिक करके आगे खींच लेंगे, इसका जो वर्ड है उसे हम चेंज कर देंगे, मतलब टेक्स्ट जो भी है उसे चेंज करेंगे, तो यहाँ से इसे हटाएंगे, दिल कभी ना था, परफेक्ट। अब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा मेरा दिल कभी ना था, जैसा ये हो गया, तो इसे यहाँ पे पेस्ट लेयर करेंगे और यहाँ पे सिर्फ हम टाइप करेंगे जैसा ये हो गया, परफेक्ट। अब राइट क्लिक कर लेंगे, तो प्ले करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक आ रहा है, तो सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन पर क्लिक करके आगे खींच लेंगे। अब गाइस एक और इसमें मैं आपको इफेक्ट देकर दिखाता हूँ, यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी या इमोजी वगैरह जो भी लगाना चाहते लगा सकते हो, तो प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे आप इमोजी जो भी लगाना चाहे लगा सकते हो, तो सैड टाइप का है तो मैं यहाँ पे तब तक के लिए ये लगा लेता हूँ, अलाइन करेंगे, रोबोट पर क्लिक करके iOS वाला फोन सेलेक्ट करेंगे, साइज रहने देता हूँ, कलर को यहाँ से सेलेक्ट करके ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे इमोजी हमारा दिखने लगेगा, देन राइट क्लिक कर लेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसी इमोजी को आपको जहाँ पे भी एडजस्ट करना हो कर सकते हो, तो मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ इतना पे, और थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, तो परफेक्टली ये हो गया। अब इसी इमोजी को आपको लास्ट तक कर देना, तो इसमें लास्ट तक खींच लीजिए, अब प्ले करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पे कोई पार्टिकल वगैरह देना चाहते तो आप अपने गैलरी से यहाँ पे पार्टिकल लगा सकते हो, उसके लिए प्लस का इन पर क्लिक करना, मीडियम जाना होगा, जो भी पार्टिकल आप लगाना चाहते हो उस पार्टिकल को सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेरे पास तो काफ़ी सारे पार्टिकल है, बट यहाँ पे आपको जो मिल जाए तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल का फाइल अलग से बना रखा है, तो पार्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारे पार्टिकल है, तो इसमें से तब तक के लिए मैं चलिए इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से आगे इसे सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे, लाइटन पर क्लिक करके स्क्रीन कर देंगे, आप कोई भी पार्टिकल लगाना चाहे लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी रहने दीजिएगा, पार्टिकल का साइज आपको स्टेटस के बराबर में ही रखना होगा, बराबर में रखने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा कट कर दीजिए, साउंड को सेलेक्ट करके म्यूट कर दीजिएगा, स्टार्टिंग में आकर प्ले करके देख सकते हैं, परफेक्ट। एडिटिंग जब कंप्लीट हो जाए तो ऊपर एडो तक से इस पर क्लिक करना, एक्सपर्ट पर क्लिक कर देना, वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया, उसके बाद वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, इस तरह का कंटिन्यू एडिटिंग करना चाहते हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चले फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, हम तक पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।